इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एस एन सफर बख्तावी ने कहा है कि आईपीएस मुआहिदों की वजह से महंगी बिजली मुल्की कारखानों को कब्रिस्तान में तब्दील कर रही है। इंडस्ट्री और आम सारिफ को मिलने वाली महंगी बिजली के पीछे आईपीएस के गलत मुआहदे हैं। आईपीएस को 2 trillion rupees कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए जा रहे हैं। ये तमाम अदायगियाँ इन प्लांट्स को की जा रही हैं जो चल ही नहीं रहे। इन महम अदायगियों की वजह से इंडस्ट्री को 1 unit 8 के बजाय 24 rupees में पड़ रहा है। आधे से ज्यादा आईपीएस प्लांट्स 50% से कम पैदावार सलाहियत पर चल रहे हैं। आईपीएस को अब तक की गई अदायगियों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, आईपीएस के साथ किए गए मुआहदों को चेक एंड पे में तब्दील किया जाए, तमाम 106 आईपीएस का डेटा पब्लिक किया जाए और बिजली की पैदावार की रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। अपने एक बयान में सदर आईसीएसआई ने कहा, महंगी बिजली ताजरों और आवाम पर जुल्म है। इतनी महंगी बिजली के साथ कारोबार करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। अपने लोग कारोबार बंद कर रहे हैं तो ऐसे में गैर मुल्की सरमायाकारी कहां से आएगी। हुकूमत इतनी भी कीमत ना बढ़ाए कि सारे बिल्स अदा ही ना कर सकें। पावर प्लांट मालकान से मिल बैठ कर बिजली की कीमतों को नीचे लाया जाए। नाकाबिल बर्दाश्त महंगी बिजली की वजह से कारोबार नहीं चल सकते। 25% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी। उदारा आईपीएस मुआहदों पर नजरसानी की जाए। इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से गलत मुआहदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ते हैं। आईपीएस मुआहदों को रिव्यू किया जाए। एनर्जी की कीमतें इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। जब तक एनर्जी की कीमतें दुरुस्त नहीं होंगी, कारोबार और इंडस्ट्री नहीं चल सकते। कारोबार बंद होने जा रहे हैं। एक तरफ मुल्क में सरमायाकारी लाने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ मुल्क में कारोबार और फैक्ट्रियां बंद हो रही है। हम पूरे रीजन में इस वक्त महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क में मुसलसल बेरोजगारी बढ़ रही है। एक्सपोर्ट टारगेट का हासिल महंगी बिजली की वजह से हासिल नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान में 17 senates में बिजली मिल रही है। रीजनल ममालिक में फी यूनिट 8 senates से भी कम है। महंगी बिजली होने से कोई नई फैक्ट्री नहीं लग रही। इतनी महंगी बिजली से मुल्क का हर शोबा शदीद अजियत से दोचार है। नुकसान पहुँचाने वाले आईपीएस के मुआहदों का जायजा लिया जाए। बिजली की कीमतों में इजाफा मईशत को मजीद बदतर कर देगा। अब आईपीएस के साथ नए मुआहदे होने चाहिए ताकि मुल्क कर्जों और खसारों के बोझ से निकले। महंगी बिजली का असर हर घर और हर कारोबार पर हो रहा है। महंगी बिजली पाकिस्तान की तबाही का निशान है। हुकूमत को समझना होगा कि महंगी बिजली मुल्क में महंगाई का तूफान ला रही है।